श्री राधा रमन गौ सेवा समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आगरा रोड स्थित गौशाला प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन शनिवार 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक कराया जा रहा है, जिसमें बताया कि श्री राम कथा के प्रतिदिन प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया जाएगा, जो प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। बताया कि श्री राम कथा की कलश यात्रा शनिवार 23 दिसंबर 2023 से सुबह 10 बजे से सुभाष गुप्ता लिटिल के निवास स्थान आरकेपुरम आगरा रोड से प्रारंभ होकर कथा स्थल श्री राधा रमन गौशाला आगरा रोड पहुंचेगी। कहा कि श्री राम कथा के मुख्य यजमान श्रीमती नर्मदा देवी व ओम प्रकाश राठी होंगे। इस कथा में जनकपुरी मुख्य आकर्षक होगा। आगे इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दी सुनिए। 23 दिसंबर 2023 से श्री राधारमण गौशाला आगरा रोड में एक भव्य श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए ये प्रेस वार्ता आज बुलाई गई है। जन जन तक ये सूचना पहुंचे और अधिक से अधिक गौ भक्त इस कथा को श्रवण करने हेतु गौशाला पधारे। 23 तारीख को कलश यात्रा से इस कथा का शुभारंभ होगा। यह कथा का जो कलश यात्रा है, ये आदरणीय श्री सुभाष गुप्ता लिटिल जी के निवास स्थान आरकेपुरम से प्रारंभ होगी और गौशाला परिसर में पहुंचेगी। सुबह 10 बजे ठीक कलश यात्रा प्रारंभ होगी। 251 कलशों की यात्रा है, लगभग 400 मात्र शक्ति इसमें सहभागिता करने की हमारे पास अभी जो समाचार है, 400 से 500 मात्र शक्ति इस कलश यात्रा में भाग लेंगे और यह 12:30 बजे तक कलश यात्रा गौशाला परिसर पहुंचेगी। उसके उपरांत फिर सभी गौ भक्त हेतु प्रसादी की व्यवस्था है और कथा श्रवण का कार्य 1:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। ये 9 दिवसीय कथा है और अंतिम दिन पूर्ण आहुति और प्रसादी की सभी गौ भक्त हेतु व्यवस्था है। इस कथा के मुख्य यजमान इस वर्ष श्री ओम प्रकाश जी राठी परारोड का परिवार है एवं अन्य दैनिक यजमान और सह यजमानों का भी सहयोग इस कथा में हमें प्राप्त हो रहा है। उनका भी हम गौशाला समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यह कथा का रूप रहेगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।